ये बात विक्रम संवत 1835 में माली लक्ष्मीदास जी महाराज ने बताई, लेकिन बाता किताब हमारे अंदर बंद हो गई है। मित्रों, जिन चीजों की अपने जरूरत है, जिन्होंने अपनी पूजा करनी चाहिए, अपने वनारा आदर नहीं करिया। पहलो निवण मां बाप की जरूरत, दूसरो निवण धरती माता की जरूरत, तीसरो निवण गुरा पिला की जरूरत, चौथो निवण सत्संग की जरूरत, पांचवो निवण सूर्य देव की जरूरत, छठो निवण अन्न देव की जरूरत और सातवो निवण इंद्र देव की जरूरत। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे आप और हम सभी को जरूरत है। सबकी जरूरत है, इस सातों चीजों की आप और हम सभी को जरूरत है। लेकिन कोई निवण नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई शेर का बच्चा है वही कर सकता है, बाकी तो नहीं कर सकता। क्योंकि मिनक दुनिया में मोकड़ा मिनको तनो सगाड़, जिन मिनखा में मिनक बनो बिन मिनखारो काल। मिनक मिनक में अंतर है, मिनक मिनक में फेर, अरे घना मिनक तो रति रति न कोई से सवा शेर। जो सवा शेर में वे नाम छोड़ जावे, भगवान शनिदेव की पूजा हुई, वे तो भगवान है, लेकिन ऐसे संत भी हुए, ऐसे इंसान भी हुए। संत कोई भगमो पहनो बिनो मतलब संत नहीं, संतरा लक्षण होता है शांत शीतल बिल्कुल एकदम स्वभाव होना चाहिए, उन्हें संत कहे। भगवा कपड़ा पहन दिया, उन्हें संत नहीं कहे। गुणमुण गुणमुण माला जीली क्यों फेरे रे फकड़ा, और जो गाण माला में गुण है तो मैं उठा दू लकड़ा। अगर माला में गुण हो तो लकड़ा री जिन लकड़ा री माला बने, बा लकड़ो लिया लिया मैं फिर तो फिर जाऊं। ये भाई इस संसार में कुछ करो या मत करो, लेकिन माता पिता को हमेशा प्रणाम करो, हमेशा करो। घर से बाहर निकलो तो एक बार माता पिता को प्रणाम करो, पिताजी घर पे नहीं है तो मां को करो, तो जीवन सफल में जागरण में आयोड़ा सफल हो भाई। लेकिन गाय गाय गला तोड़ दिया, बजा बजान पेटियों फोड़ दी, मजीरा तोड़ दिया, डॉल को फोड़ दी, जागरण में आने की लेनी नहीं गयो है, कुछ दे नहीं गयो तो जागरण में आयोड़े नहीं आयोड़े, परमात्मा राजी क्या हो। गंगा जी जावे, हरिद्वार जावे, काशी जावे, और पचे घरे आए माता पिता हूँ लड़ाई करें, पचे शनि भगवान ने मंदिर आवे के बाप जी आवड़ कर दो, बाप जी के तू नेड़ो आ जा पचे टावड़ दो। मात पिता की, जो इंसान मात पिता की इज्जत नहीं करता, मात पिता को नमस्कार नहीं करता, वो परमात्मा को नमस्कार करने का कोई फायदा भी नहीं। जिस घर में माता पिता राजी है उसी घर के अंदर परमात्मा रहते बनते। सावरियो मिल जावे नेचो राखो साची बात रो, मात पिता री सेवा कर जे तीर्थ गंगा, मात को अटे दियोड़ो आगे मिलेला लेनो हाथो हाथो। अब ये बात हरेक आदमी रे पसे नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर लावड़ो मेसी घी खावड़ो देसी है ना। तो माता पिता की सेवा कर्तव्य है। ये कवि ने तो इतनी बात कह दी, ये संसार सागर है अगर तो मां बाप एक नाव है, और जिसने करी तन मन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। कवि ने बात लिख दी, मां की पूजा करना प्यारे क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छुपे हुए नील अधिक्षे पर्दे में। अपने घर में छोटा भगवान नील कहे कि नहीं, छोटा नहीं, और नील ये परमात्मा जागता जीवता परमात्मा अपने घरे है। मां की पूजा करना प्यारे क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छुपे हुए नील अधिक्षे पर्दे में। मां मद मीठा जितो मीठो मद नहीं लागे नहीं बिना, हजार गुणा मीठा अपने मां बाप लागना चाहिए लेकिन नहीं, इंसान करता नहीं है। मां मद मीठा मां मदराही, अरे मां से मक्खन मां से मलाई, मां मक्का है मां है मंदिर, मां की शान बता दे भाई। मां को देखो बेटे को कितना लाड लड़ाती है, नौ मास गर्भ में रखती है अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में हमें सुलाती है, मल मूत्र सदाई धोती है बलियारी मां पे जाती है। ऐसे मां बाप को जो नर जागे पुत्र नर्क का जामी है, पुत्र नहीं के पुत्र है कहलाता दूध हरामी है। आके इस जमीन पे जो इंसान अपने मां बाप का ना हुआ ना नर वो यहां का हुआ और ना नर वो। माता जी हाँ शतयुगरा बेटा श्रवण एड़ा तो हुआ, माँ बाप री कावड़ लेने गंगा जी भैया, और आज गाल रहा छोरा संतो एड़ा तो हुआ, परणी नार ने लेने सीधा न्यारा तो हुआ। कह माँ जी हमें तारे ने बीननी बनाई को नहीं करम फूट गया भाई, ऐसा बेटा पैदा हो गया जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। अरे यहाँ पर कितने भक्त विराज माने जो सुबह उठ के दिन में एक बार ही माता पिता को प्रणाम करते, हाथ खड़ा कर दो जी। प्रणाम नहीं करा ना तो भाई
माना, कहना तो संतों की बात है और माना आपकी बात है। मानो तो छो की बात है, बरसात भी वेला, जमानो भी वेला, और एड़ा आपरे शतपुरुष धरती माते पैदा भी वेला। तो अंत में लिखा है माली लक्ष्मी दास जी महाराज ने, ओ सागरी भरियो ए घना डूबा थोड़ा तिरिया जी, ये गुरु खिम जी माली लिख मोजी बोलिया, ये गुरु खिम जी माली लिख मोजी बोलिया, ए भूल भरम सब टलिया वो साध भाई, बिना भजन गुण तिरिया जी।